हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको टाइल क्लीनिंग का एक छोटा सा डेमो दूंगा एंड जिस केमिकल का यूज मैंने किया है उससे आप सिरेमिक, विट्रीफाइड, मोजाइक टाइल के साथ साथ बेसिन एंड बाथटब्स को भी क्लीन कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने अप्लाई करने के साथ साथ रबिंग करके टाइल के जॉइंट्स एंड टाइल में जो हेयरलाइन क्रैक जैसा दाग दिख रहा है, बेसिकली वो क्रैक नहीं है, एक मतलब वाटर का जो दाग होता है, कार्बन या फिर कोई मतलब आयरन का दाग, वही है, उसको क्लीन किया है। फॉर बेटर रिजल्ट्स आप इसको पानी के साथ 1:1 रेशियो में मिक्स एंड अप्लाई करके 10-15 मिनट्स या फिर 24 आवर्स के बाद अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं, तो इजी होगा। चेक करने के लिए उधर ग्लव से इसे अप्लाई किया, वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, अगर कोई कट्स आपके बॉडी में है तो कॉन्टैक्ट में आने से प्रॉब्लम होगा, जैसे कि चमक पाउडर यूज करने के टाइम अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्टैक्ट में आ गया तो 1-2 दिन में बर्निंग इशू होता है। मैंने बहुत सालों बाद किसी केमिकल से टाइल को क्लीन किया एंड मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। आप भी कोई केमिकल का प्रोसीड्योर देख के उसे यूज कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा।